गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक। जैसे कि हमने बात कर लिया था, इमेज को इंसर्ट करना हमने बता दिया था आपको कि कैसे आप इमेज को इंसर्ट करेंगे। आज हमने बताना है कि आप हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। हाइपरलिंक की वीडियो मैंने एक डाली हुई है ऑलरेडी पहले से ही, तो वो भी आप चेक कर लेना कि कैसे आप हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, हाइपरलिंक का मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होता है हाइपरलिंक और कैसे यूज किया जाता है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंप्रेंड दैट इफ वी आर क्लिकिंग ऑन एनी ऑप्शन इन द मेनू इट टेक अस टू ए डिफरेंट स्क्रीन ऑन टेलीविजन, ए डिफरेंट विंडो ऑन डेस्कटॉप, ए डिफरेंट मेनू ऑन ए मोबाइल। यदि आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यदि आपके पास एक नया विंडो ओपन होता है तो आपका वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाएगा लिंक। राइट, अब देखेंगे द मेनू आइकन्स आर एक्चुअली थंबनेल इमेज, रिड्यूस साइज वर्जन ऑफ पिक्चर एंड वीडियो और वीडियो विच आर लिंक्ड टू लार्ज इमेज ऑफ अदर स्क्रीन। द मेनू आइकन, जैसे आप बहुत सारे मेनू आपने देखेंगे, मेनू आइकन क्या होता है, एक्चुअली ये थंबनेल इमेज होती है। जैसे आपको ये सारे नजर आ रहे हैं, ये आइकन है, मेनू आइकन। राइट, यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन होगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो होगी, ऐसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। तो इट मीन्स ये क्या है, आपका लिंक है। ये सब चीज क्या है, लिंक। राइट, और ये क्या लिखा हुआ है, विच आर लिंक्ड टू लार्ज इमेज, और लार्ज इमेज कौन सी होगी, ये पूरी विंडो क्या होगी, लार्ज इमेज होगी जो आपको दिखाई दे रही, और ये मिनी इमेज हो गई या हम स्मॉल इमेज कह सकते हैं, और इनके ऊपर क्लिक करने पर ये ओपन हो जाते हैं और ये क्या कहलाएंगे, लिंक। कैन यू नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच गिव्स यू द ऑप्शन टू चेंज द साइज ऑफ थंबनेल इमेज, थंबनेल इमेज का साइज आप चेंज कर सकते हैं। यस, आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, इसके अंदर आप मेनू का साइज चेंज कर सकते हैं। देखेंगे ये जो मेनू आइकन आपको नजर आ रहे हैं, इनका साइज आप चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, राइट क्लिक करके व्यू लार्ज, यदि आपने लार्ज कर दिया तो इन मेनू का आइकन क्या हो गया है, लार्ज हो गया है। राइट, आपने क्या किया, इसको स्मॉल किया, मीडियम किया तो मीडियम हो गया, स्मॉल किया तो स्मॉल हो। राइट, तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहां से आइकन का साइज चेंज कर पा रहे हैं। राइट, दीज आइकन विच आर लिंक टेक्स्ट एंड पिक्चर्स फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। राइट, अब बात करेंगे हम किसके कॉन्टेक्स्ट में, हम बात करेंगे वेब पेज के कॉन्टेक्स्ट में, वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, क्या होगा कि यदि हम एक मेनू के ऊपर या एक आइकन के ऊपर या एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और कोई नया वेब पेज ओपन होता है तो वो हाइपरलिंक कहलाता है। राइट, ए हाइपरलिंक इज एन अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज और sometimes even a graphic image or icon which has been linked to another location। यदि आप underline word, मतलब it means कोई भी word हो सकता है, कोई भी phrase हो सकता है, कोई भी image हो सकती है, यदि उसके ऊपर click करें और वो click एक किसी दूसरी location पे open हो तो वो आपका hyperlink कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका hyperlink कहलाएगा। Right, से आपने क्लिक किया, मान लो अज्यूम करो कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया और एक नया पेज ओपन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपरलिंक कहलाएगा इन केस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के केस में। आपने देखे होंगे बहुत सारी
एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है जिसके ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो ही हाइपरलिंक होता है। बाय प्लेसिंग द एरो ऑन द हाइपरलिंक एंड क्लिकिंग ऑन इट वी कैन मूव क्विकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन विद इन सेम डॉक्यूमेंट इन अनदर डॉक्यूमेंट और समवेयर एल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ए एंकर टैग का यूज करते हैं। HREF का मीन्स होता है हाइपर टैग रेफरेंस, ये एट्रीब्यूट है, और URL देना होता है। URL का मतलब क्या हो गया? एड्रेस, जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का वो आपको देना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर एक हमारा जो बनाया हुआ था प्रोग्राम, मैं उसको ओपन करता हूँ और उसको ये लिंक मैंने आपको बनाना बता रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो चेक कर लेना। URL क्या होता है? ये जो आपको ये नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर, ये URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको कॉपी करना होता है और हम एंकर टैग में उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, और जो टेक्स्ट पे बनाना है उस टेक्स्ट पे उसके आगे उसको लगाना होता है, एंकर टैग को क्लोज करना होता है। जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, यदि आपको ध्यान हो, हमने आपको बताया था, लिंक करके बताया था हमने, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप देख लेंगे कि आपको कैसे बनाना बताया था मैंने। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इस ब्राउज़र के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक नया पेज ओपन हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, देखो ये क्या किया हमने, बहुत ही सिंपल है। मैं इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर ये लिंक बना रखा है मैंने, ये लिंक बना रखा है, देखो कैसे बना रखा है ये लिंक, और किसके वेब पेज, वेब ब्राउजर के ऊपर बना रखा है। चलो हालांकि ये आप नोटपैड में भी ओपन करके देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड, ठीक, नोटपैड में भी आपको ये कोड नजर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया व्यू सोर्स कोड भी कर सकते हैं। तो क्या करना होगा आपको, देखो क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, एंकर टैग लिखा आपने, फिर HREF, और फिर जहाँ जो पेज आपको लिंक करना है उसका URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। URL आपको समझ में आ गया होगा, जिस पेज को आपको लिंक करना है, कौन से पेज को, मानो इस पेज को लिंक करना है तो इसका URL कॉपी किया और इस कोड के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया है HREF के अंदर, और जिस वर्ड के ऊपर लगाना है लिंक बनाना है उसके आगे करना है काम, और फिर लिंक को बंद कर देना है। आगे देख, ये आपका तरीका हो जाता है हाइपरलिंक बनाने का। द HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL दैट इज वेब एड्रेस ऑफ द पेज टू डिस्प्ले व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन दी लिंक टेक्स्ट। यदि वो लिंक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो किसी डिफरेंट जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, किसी डिफरेंट लोकेशन पे। द टेक्स्ट बिटवीन एंकर टैग, जो टेक्स्ट आएगा वो एंकर टैग के यहाँ बीच में आएगा, ठीक है, और ये इसका HREF क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जहाँ पे URL दिया जाता है, मतलब उस दूसरे वेब एड्रेस का, दूसरे वेब पेज का एड्रेस दिया जाता है। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ एंकर टैग, द हाइपरलिंक इज यूज टू क्लिक ऑन एंड द वेब एड्रेस दे गो टू इफ दे आर क्लिक ऑन इट, राइट। ये प्रोग्राम करके देख लेंगे, प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया था करके। अब देखेंगे कि आपके पास बाय डिफॉल्ट द लिंक्स अपीयर एज ए डिस्क्राइब्ड एज बिलो इन ऑल ब्राउजर, विजिटेड लिंक, अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक। क्या होता है अनविजिटेड लिंक, जब तक आपने लिंक को विजिट नहीं किया है तो वो कैसा रहेगा, अंडरलाइन रहेगा और ब्लू कलर का रहेगा। यदि आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया है तो वो विजिटेड लिंक हो जाएगा, मतलब आपने उसको विजिट कर लिया है, उसने चेक कर लिया है आपने, उसका कलर पर्पल हो जाएगा।
एक्टिव लिंक क्या होगा? उसका अंडरलाइन होगा और उसका कलर क्या होगा? आपका रेड होगा। इस तरह से आपका ये नजर आता है। जैसे ये ब्लू कलर का है, अब देखेंगे ये कैसे कलर का हो गया आपका, ये कैसे कलर का हो गया? रेड कलर का। तो इट मीन्स एक्टिव लिंक। ये कौन सा हो गया? एक्टिव लिंक। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि ये एक्टिव लिंक हो गया आपका, और रेड कलर का होते ही एक्टिव लिंक हो गया। और जब क्लिक नहीं किया था, जब मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करता हूँ, तो ये ब्लू कलर का रहता है, राइट? तो ये अनविजिटेड लिंक होता है, राइट? और जैसे ही विजिट कर दूंगा तो पर्पल हो जाएगा, लेकिन वो जो पर्पल होगा वो होगा जो आपकी ओरिजिनल जो वेबसाइट बनाते हैं प्रोग्रामर उसके अंदर, या ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका कलर चेंज करता है या नहीं करता है, राइट? बॉडी लिंक ग्रीन, वी लिंक येलो और ए लिंक मेजेंटा। तो आप ये ग्रीन है हो गया, और इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, बॉडी लिंक लिख के और उसको ग्रीन कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर बॉडी टैग लिया और बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर लिंक लिख दिया, और लिंक के अंदर आपने कर दिया जो भी कलर आपको करना है यहाँ पर, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। और ग्रीन का मतलब होगा अनविजिटेड लिंक। देखते हैं ग्रीन होता है कि नहीं होता। सेव कर दिया मैंने इसको, चेंज करके बॉडी के अंदर सेव कर दिया है। और यहां से इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहां से कोई चेंज नहीं आ रहा है यहां पर। ए लिंक करके देख लेते हैं। ये जो लिंक आपके चेंज होते हैं, ये जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, जो ऑनलाइन जो प्रोग्रामर होते हैं जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्ट नज़र आता है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। तो प्रोग्रामर्स के पास टूल होता है, तो इसी वजह से उनके पास ये इफेक्ट नज़र आ जाता है, लेकिन हमारे पास ये इफेक्ट, यस, ये अनविजिटेड आपका जो कलर देखेंगे चेंज तो हुआ है, हमारा भी कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे राइट क्लिक करने पर, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ग्रीन कलर चेंज हो गया। तो इट मीन्स ये कौन सा आपका कलर हो गया? एक्टिव लिंक हो गया। ठीक, तो बेसिकली ये यहाँ पर काम नहीं करेगा हमारा, किसी किसी का कर भी जाए, किसी किसी का नहीं भी करे, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये करेगा ही करेगा, राइट? टाइप्स क्या होते हैं इसमें? टाइप ऑफ लिंकिंग आपका कितना होता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मतलब क्या होता है कि कोई वेब पेज आप ओपन कर रहे हैं और वो वहीं पे ही ओपन हो जाए। जैसे अब जैसे मैंने क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया तो ये यहीं पे ही ओपन हो गया, तो ये कौन सा हो गया आपका? ये होगा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग, यदि ये पेज इसी के ऊपर क्लिक करने पर और यहीं पे ही ओपन हो रहा है, तो ये हो गया आपका इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या हो जाएगा? यदि ये पेज ओपन इस पे ना होके किसी दूसरे वेब दूसरे टैब पे ओपन हो रहा है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाता है। ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ 95 केसेस में इंटरनल लिंकिंग का ही यूज लिया जाता है। व्हेन द वन पार्ट ऑफ द इमेज इज लिंक्ड टू अनदर सेक्शन ऑन सेम पेज, एंड व्हेन वन पेज इज लिंक्ड टू अनदर वेब पेज ऑन सेम और डिफरेंट वेबसाइट या वेब पेज, राइट? तो यहां पर हमारे पास आता है बुकमार्क। बुकमार्क का मीनिंग देखो, वी अंडरस्टैंड दैट बुकमार्क इज ए स्ट्रिप ऑफ ए क्लिप बोर्ड यूज टू मार्क ए प्लेस इन ए बुक।
for further reading, and to bookmark a website or a place in a file, we mean recording the address to enable quick access to the same in a future. बुकमार्क क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कोई बुक रीड कर रहे हैं और उसके पेज आपने रीड कर लिया, मान लो 10 पेज आपने रीड कर लिए, 10 से आगे आप नेक्स्ट डे रीड करेंगे तो आपने 10 को मार्क कर दिया तो वो बुकमार्क कहलाएगा। ऐसे ही हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं और हमें क्या करता है, मान लो कि हम सपोज करो कि हम वो वेबसाइट को बार बार रोज यूज कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि बार बार हम उसको सर्च करें, तो हम क्या कर देते हैं उसको बुकमार्क कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके उसको बुकमार्क कर देंगे। और बुकमार्क करने से फ़ायदा क्या होगा, बुकमार्क करने से फ़ायदा ये होगा कि वो बुकमार्क हो जाएगा। जैसे देखो कि मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी वेबसाइट को बुकमार्क किया हुआ है ताकि मुझे कभी भी इन वेबसाइट की ज़रूरत पड़े तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके जा सकूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक जैसे मैंने बुकमार्क किया मेरी वेबसाइट को जो हमने बनाई थी, ये बुकमार्क कर दिया तो ये आसानी से ओपन हो गया, मुझे उस वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो जहाँ पे वो सेव है वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ। तो बुकमार्क का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को मार्क कर, किसी जैसे किसी बुक में किसी पेज को मार्क करते हो, ऐसे ही हम किसी वेबसाइट को मार्क करके रख सकते हैं ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज ले सकें। वी कैन क्रिएट ए बुकमार्क ऑन ए वेब पेज and these bookmark will help us in jumping quickly to desired location of the web page, ताकि हम एकदम से हम जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएँ उस वेबसाइट के अंदर। The name attributes of the name of the anchor tag is used to create a bookmark on a web page. अब जो वेबसाइट बनाते हैं तो वो ऑनलाइन बनाते हैं, ऑनलाइन क्योंकि हम किसी को बुकमार्क बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर एंकर टैग का यूज़ करना होता है, एंकर टैग और उसकी वैल्यू देनी होती है, ठीक है। वैल्यू जैसे मान लो कि हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और हम उस पर्टिकुलर चीज़, ये आप प्रोग्राम करके देखेंगे, अपने आप से करके देखेंगे, पहले आप अपने आप से करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, क्या है देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर ए एंकर टैग एच आर एफ कॉट वन, कॉट वन का मतलब क्या हो गया, देखो कॉट वन के बारे में एक्सप्लेन कहाँ पे कर रखा है, यहाँ पर इसी पेज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि कॉट वन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, जैसे ए पी जी अब्दुल कलाम के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया, बुकमार्क हो गया, ये क्या हो गया, बुकमार्क। देखो यहाँ पर भी कॉट वन और यहाँ पर भी ये सेम होना चाहिए, एच आर ई एफ में कॉट वन और नेम के अंदर कॉट वन, जरूरी है कॉट वन ही लिखेंगे, आप कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस टेक्स्ट के ऊपर लगाएंगे तो उस टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली जहां पर वो नेम आपने डिफाइन किया है उसको वहां पर अपना कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने आपको बता दिया है कि किसी डिफरेंट वेब लोकेशन पे या टैब पे ओपन होता है। इमेज लिंकिंग, इमेज को लिंक करना भी आपको बता दिया जाएगा, इमेज लिंकिंग कैसे यूज करते हैं हम, इमेज लिंकिंग भी बहुत आसान है, राइट। कोई इमेज को लिंक कर देना, मतलब इमेज को एज ए यूआरएल आपको कर देना, देखेंगे ये आपको नेक्स्ट डे बता दिया जाएगा, राइट। तो ये आप करके देखेंगे, बस अब हमारा इसके अंदर ये चैप्टर हो गया लगभग फिनिश, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं हो सकता है कि आपको आज ही प्रोवाइड कर दूं, नहीं तो आपको कल प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे इसको, और इसके बाद ईमेल का बचता है। ईमेल का मतलब क्या होता है कि ईमेल कुछ भी नहीं है, ए एंकर टैग और ईमेल जो होता है ये ऑनलाइन यूज होता है, ऑफलाइन हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मेल टू कॉलन योर मेल एड्रेस कॉन्टेक्ट मी, मेल टू और मेल टू किसको मेल करना है और योर मेल एड्रेस, तो वो लिंक बन जाएगा आप, ठीक है। बहुत इजी है,
लिंक बनाने के लिए आपको ये याद रखना है HREF का यूज हो। इस वीडियो को आप देखें और समझें, और नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ताकि मैं दोबारा उस कमेंट को देखकर दोबारा एक्सप्लेन करूँ। राइट, थैंक यू सो मच।